नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईबीआरसी बारे में। ये ईबीआरसी क्या होता है और निर्यातकों को इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो निर्यात कारोबार में लगे लोगों के लिए एक ईबीआरसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण पत्र है। ये एक बैंक द्वारा इस बात की पुष्टि के रूप में जारी किया जाता है कि निर्यातक को खरीदार से माल या सेवाओं का निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त हुआ है। एक निर्यातक के रूप में आपको ईबीआरसी की आवश्यकता क्यों होती है, इस भाग में हम न केवल इस प्रश्न का उत्तर देंगे बल्कि आपको ईबीआरसी प्रक्रिया के साथ साथ इसमें आपकी भूमिका के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ईबीआरसी का उद्देश्य क्या है। सरल शब्दों में ईबीआरसी निर्यात का प्रमाण है। हालांकि इसे पूरी तरह से समझने के लिए पहले इसके उद्देश्य को समझना जरूरी है। एक निर्यातक को अपनी विदेश व्यापार नीति यानी कि एफटीपी के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न निर्यात प्रोत्साहनों को, ये जिसमें शुल्क छूट, सब्सिडी, कम लागत वाले ऋण इत्यादि शामिल है, इनका लाभ उठाने के लिए एक ईबीआरसी की आवश्यकता होती है। भारत में एफटीपी और इसके द्वारा हाईलाइट किए गए कई निर्यात प्रोत्साहन विदेश व्यापार में महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी के द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं। डीजीएफटी ईबीआरसी प्लेटफॉर्म को भी लागू करता है जो बैंकों को निर्यात से संबंधित सभी विदेशी मुद्रा प्राप्ति की जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीजीएफटी सर्वर पर अपलोड करने की अनुमति देता है। यह जानकारी एक डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि ईबीआरसी के माध्यम से प्रेरित की जाती है। 2012 में डीजीएफटी द्वारा ईबीआरसी प्लेटफॉर्म पेश करने से पहले प्रक्रिया पूरी तरह से मैनुअल थी। निर्यातक को अपने बैंक का दौरा करना था और बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र यानी कि बीआरसी का अनुरोध करना था, जिसे बैंक ने भौतिक रूप में प्रदान किया था। इसके बाद निर्यातक ने बीआरसी को डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण को सौंप दिया। बीआरसी विवरण एक डीजीएफटी आवेदन में मैनुअल रूप से दर्ज किए गए थे। इससे निर्यात प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया लंबी और असुविधाजनक हो गई थी। ईबीआरसी ने भौतिक बीआरसी के साथ साथ निर्यातक के लिए बैंक या डीजीएफटी प्राधिकरण का दौरा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है। अब जानते हैं ये ईबीआरसी प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो अब गौर से सुनिएगा, इसका फ्लो चार्ट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है, निर्यात आय की वसूली पर बैंक एक ईबीआरसी उत्पन्न करता है। इसके बाद यह एक डिजिटल XML फाइल बनता है जिसमें ईबीआरसी की जानकारी होती है। बैंक डीजीएफटी द्वारा प्रदान किए गए या स्वयं द्वारा विकसित किए गए डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता का उपयोग करके XML फाइल पर हस्ताक्षर करता है, यानी कि ई सिग्नेचर करता है XML फाइल को। बैंक को पहले से डीजीएफटी के साथ अपने हस्ताक्षरकर्ता को पंजीकृत करना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर है, बैंक XML फाइल को डीजीएफटी सर्वर पर अपलोड करता है। यह डीजीएफटी वेबसाइट तक पहुंचते ईबीआरसी आवेदन में लॉगिन करने और अपलोड ईबीआरसी का विकल्प का उपयोग करने जैसा है। एक बार फाइल अपलोड हो जाने के बाद डीजीएफटी सर्वर उपयोगकर्ता को सत्यापित करता है और डेटा को मान्य करता है। इसके बाद यह बैंक को एक पावती भेजता है कि फाइल सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। एक बार फाइल अपलोड हो जाने के बाद निर्यातक तुरंत ही डीजीएफटी पोर्टल में अपने ईबीआरसी की स्थिति की जांच कर सकता है। तो ये थी ईबीआरसी के बारे में सारी डिटेल्स, और इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया था कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उनमें से ही एक क्वेश्चन को हमने पिक करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो अगर आपके भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द
ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।